गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यॉर्कर डिलीवरी डाले कैसे, और यॉर्कर के रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगा। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यॉर्कर होता क्या है। व्हाट इज यॉर्कर? यॉर्कर एक फुल लेंथ डिलीवरी है जो बैट्समैन के पैरों के आसपास गिरती है। अगर आपने क्रिकेट मैच में सही सटीक यॉर्कर डाली तो वो बैट्समैन के लिए अनप्लेएबल डिलीवरी भी हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको यॉर्कर डालना ज़रूर सिखा दूं। और उससे पहले, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये हमारा यूज़र नेम, हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यॉर्कर डालने के लिए हमारी जो पहली टिप है वो है ग्रिप। काफ़ी बिगनर्स कन्फ्यूज रहते हैं कि बॉल को पकड़े कैसे। अगर बॉल नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके से बॉल को पकड़ना है। ये दोनों फिंगर्स ऐसे और ये थंब ऐसे, कुछ इस तरह से आपको बॉल पकड़ना है। अगर बॉल नहीं है, अगर बॉल पुरानी हो चुकी है तो उसे क्रॉस सीम से पकड़िए, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस सीम से पकड़िए। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर बॉल पुरानी हो चुकी है तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इससे यॉर्कर डालने में और एक्यूरेट यॉर्कर जाएगी इससे। तो हमारी सेकेंड टिप है व्हाट्स माय टारगेट। अब यॉर्कर डालने के टाइम मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि यॉर्कर डिलीवरी बैट्समैन के पैरों के आसपास गिरती है, तो इसके लिए मैं ड्रिल लेके आया हूँ। इस ड्रिल में आपको करना क्या, आपको अपने शूज़ निकाल लेने। आपको शूज़ निकाल के ऐसे इस तरीके से एज अ, अब मेरे पास कोई बैट्समैन तो है नहीं तो मैं ये ऐसे शूज़ रख लूँगा यहाँ पे, इसे एज अ टारगेट मैं मान लूँगा। और अब मैं बॉलिंग करूँगा, और बॉलिंग करते वक्त मेरा पूरा फोकस इन शूज़ पे होगा, और मैं ट्राई करूँगा कि मेरी सारी बॉल इस शूज़ पे आके लगे। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मेरी यॉर्कर एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। तो चलिए हम उस ड्रिल को देख के अपनी यॉर्कर इम्प्रूव करते हैं। तो हमारी थर्ड टिप है रनअप। तो काफ़ी बॉलर्स ये सोचते हैं कि अगर वो लंबे रनअप से बॉलिंग करेंगे तो उसकी बॉलिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी या फिर यॉर्कर सही गिरेगी। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि आपको रनअप उतना ही लेना चाहिए जितने में आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि आपने काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये बॉलर काफ़ी अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं। तो रिदम का क्या मतलब होता है, बॉलर को रिदम कैसे मिलता है? बॉलर को रिदम उसके रनअप से मिलता है। तो आपको दूसरे बॉलर्स को कॉपी नहीं करना है। अगर वो लंबे रनअप से अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप भी लंबे रनअप से अच्छी बॉलिंग कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रनअप उतना ही लेना है जितने रनअप में आप कंफर्टेबल हो। तो फॉर एग्जांपल, आपने जसप्रीत बुमराह का रनअप देखा होगा, काफ़ी शॉर्ट रनअप से वो बॉलिंग करते हैं, पर उनकी बॉलिंग स्पीड और यॉर्कर देखिए, वो कोई काफ़ी बैट्समैन नहीं खेल पाते। तो इससे आप इस बात से आपको ध्यान क्या रखना है, इससे आपको क्या पता चलता है कि रनअप इंपॉर्टेंट नहीं होता, लॉन्ग या शॉर्ट रनअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको ध्यान वही देना है कि आपका रनअप उतना ही लो जितने में आप कंफर्टेबल। तो हमारी फोर्थ टिप है नॉन बॉलिंग आर्म। ये है मेरा बॉलिंग आर्म और ये है मेरा नॉन बॉलिंग आर्म। अब मेरे ये नॉन बॉलिंग आर्म मुझे हेल्प कहाँ करता है, मेरी बॉलिंग स्पीड को इंक्रीज करने में ये मेरा नॉन बॉलिंग आर्म हेल्प करता है। अगर आपका ये नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी गिर जाता है तो इससे आपको डिसएडवांटेज क्या होता है, आपकी बॉलिंग स्पीड उतनी आप स्पीड नहीं रहती आपकी बॉलिंग में। तो इस नॉन बॉलिंग आर्म को आपको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये नॉन बॉलिंग आर्म कब गिरना चाहिए, नॉन बॉलिंग आर्म तब गिरना चाहिए जब तक ऐसे आपका स्टार नहीं बन जाता। अब एक बार ऐसे स्टार बन गया बॉलिंग करते वक्त, फिर इसके बाद आपको इस नॉन बॉलिंग आर्म को ज़ोर से नीचे की तरफ लाना है और फिर ऐसे बॉल फेंकना है, बिल्कुल ऐसे। एक बार ऐसे स्टार बन गया, फिर ऐसे आपको बॉल फेंकनी है, ऐसे जल्दी ही नहीं गिरना चाहिए। जब तक स्टार नहीं बन जाता तब, स्टार बनने के बाद आपको इसे ऐसे गिरना है। तो हमारी फिफ्थ टिप है प्रैक्टिस। तो आप यॉर्कर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यॉर्कर एक ऐसी डिलीवरी है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसे आप सीख नहीं पाओगे। तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, और मैंने ड्रिल्स भी बताई है। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए यॉर्कर की प्रैक्टिस के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वहाँ पर मैं आपको रिवर्ट करके मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वहाँ पे मैं आपको रिवर्ट करके आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।